नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ, जो कि दौसा राजस्थान में पड़ता है। तो ये मंदिर में जाने का रास्ता है, चलिए। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। और दोस्तों यह मंदिर दौसा राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर की काफ़ी सारी मान्यताएं। और दोस्तों पिछली वीडियो मैंने आपको ट्रेन द्वारा मेहंदीपुर बालाजी कैसे जाएं उसके बारे में जानकारी दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। तो अभी हम चलते सीधे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इस मंदिर के आसपास भी और भी कई सारे स्थान हैं जिनके दर्शन आप बालाजी मंदिर के बाद कर सकते हो। तो उन सभी स्थानों के दर्शन आज की वीडियो में आपको होने वाले हैं। तो अब हम चलते सीधे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। सामने आप देख रहे हैं हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि 151 फीट ऊँची है। इसके भी दर्शन आपको होंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक बने रहना। तो हम चलते सीधे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और आपको दर्शन कराते हैं मेहंदीपुर बालाजी के। दोस्तों बांदीकुई रेलवे स्टेशन से जब आप मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आते हो जीप के द्वारा, तो जीप आपको तकरीबन आधा किलोमीटर पहले ही मंदिर के पास उतार देगी। वहाँ से आपको बालाजी मंदिर पैदल ही जाना होता है। और ये स्थान है दोस्तों मंदिर जाने का, यहाँ से आप सीधे मंदिर जा सकते हो। और यहाँ पर काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें हैं, जो कि यहाँ से आप बालाजी मंदिर के लिए प्रसाद ले सकते हो, जो कि हमने अभी ले लिया है। दोस्तों अगर आप शनिवार या फिर मंगलवार के दिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाते हो तो उस दिन आपको सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। बाकी दिन यहाँ पर भीड़ नहीं मिलती है, क्योंकि आज बुधवार है तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। बाकी दोस्तों अब हम जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा ज़िले में स्थित है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को काफ़ी कल्याणकारी माना गया है। कहते हैं कि भूत प्रेत की बाधाओं और नकारात्मक बुराइयों से बचने के लिए प्रेतराज सरकार के दरबार में हर रोज 2 बजे कीर्तन होता है। मंदिर का इतिहास। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी काफी प्रचलित है। इस मंदिर में 3 देवता लगभग 1000 साल से विराजमान हैं। माना जाता है कि अरावली पहाड़ियों के बीच हनुमान भगवान की मूर्ति अपने आप बनी हुई है, इसे किसी भी कलाकार ने नहीं बनाया है। वहीं कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के पुराने महंत को सपना आया था। सपने में उन्होंने तीनों देवताओं को देखा था। इसे ही बालाजी मंदिर के निर्माण होने का संकेत माना जाता है। इसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण हुआ था। परिसर में आ चुका हूं। ये बालाजी महाराज मंदिर का परिसर है, यहाँ से हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और पहले यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है पहले से। मैं तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पर आया था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो चुकी है लोगों के लिए। पहले भीड़ ज़्यादा होती थी और इस तरीके से कुछ रास्ते बना दिए हैं मंदिर जाने के लिए। और मंदिर जो स्थान है वो आगे की तरफ है, आगे चलते हैं और आपको बालाजी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर में चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी हुई है, जिससे कि आसानी से सभी भक्त दर्शन करने के लिए अंदर आ सकते हैं। और सामने आप देख रहे हैं, सामने डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हो। जगह जगह ऐसे ही स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। और सामने काफ़ी सारे लोग हैं जो कि लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए। हम भी उसी लाइन में हैं। और सामने आप देख रहे हैं एक औरत है जो कि शायद इसके ऊपर कुछ है। तो ऐसे ही लोग यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। बाकी दोस्तों ये लाइन खुल चुकी है, अभी हम चलते सीधे बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए। और ये दिवाली के टाइम पे शायद मंदिर सजा हुआ था, अभी भी सजावट यहाँ पर अभी भी हो रखी है। जैसे कि आइए अब हम आपको बालाजी महाराज के दर्शन कराते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए होंगे। वैसे दोस्तों यहां पर वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है। बाकी दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे मंदिर परिसर के बाहर। और यहां पर और भी कई सारे स्थान हैं, यहां पर लोगों का इलाज किया जाता है जिनके ऊपर ऊपरी बाधा या फिर प्रेत होते हैं, तो उनके इलाज के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये प्रेत राज सरकार का दीवान है, इसी के पीछे ही इलाज वगैरह होता है। और ये मंदिर परिसर के हम बाहर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ा यहाँ पर पहाड़ मुझे देखने को मिला। और ये मंदिर परिसर कुछ ऐसा बन चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा है वैसे ये। और पिछली बार मैं आया था यहाँ पर इतना अच्छा सेटअप नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी सुंदर हो चुका है। और जाली भी आप देखेंगे तो हनुमान जी के दर्शन आपको इन जालियों में होंगे। बाकी दोस्तों ये एक्सिट का गेट है, यहाँ से लोग दर्शन करने के बाद बाहर जाते हैं। और इसके 2 गेट हैं और ये रेस्टिंग रूम है, यहाँ पर आप आकर के आराम वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं और जो भी स्थान अभी बाकी है दर्शन के लिए, उन सभी स्थानों के दर्शन अब मैं आपको बाहर से कराऊं। तो ये बालाजी मंदिर के बाहर आने का रास्ता है, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। और अभी यहाँ पर कुछ मंदिर भी मौजूद हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और साथ ही आपको 151 फीट हनुमान जी की मूर्ति के भी दर्शन कराऊंगा मैं आपको। दोस्तों ये मंदिर का एक्सिट गेट है, दर्शन करने के बाद आप यहाँ से ही बाहर आते हो।
और दोस्तों मंदिर के बाहर आप दर्शन करोगे तो बाहर से ही आप बालाजी महाराज के आराम से दर्शन कर पाओगे जैसे आप कर पा रहे हैं, और ऊपर डिस्प्ले भी लगा हुआ है जिसपे आप आसानी से और काफ़ी आराम से दर्शन बाहर से ही आप कर सकते हो। दोस्तों इस मंदिर के सामने ठीक एक और मंदिर है जो कि राधा रानी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, वहाँ के भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। और यहाँ पर भी काफ़ी सुंदर सजावट हो रखी है, राधा और कृष्ण की मूर्ति सामने आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ ही साथ यह मंदिर परिसर भी काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस स्थान की आप दर्शन करिए। दोस्तों मंदिर परिसर के बाहर आपको काफ़ी सारी दुकान देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप पूजा पाठ का सामान ले सकते हो। काफ़ी अलग अलग वैरायटी में यहाँ पर आपको पूजा का सामान मिल जाता है, जैसे कि आप कड़े वगैरह देख रहे हैं, और सबसे खास है दोस्तों यहाँ पर गदा भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि हनुमान जी का एक यंत्र है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो चूड़ी है और रुद्राक्ष है, और साथ ही साथ आपको बालाजी महाराज की मूर्तियाँ, खाटू श्याम जी की मूर्तियाँ, और भी कई सारे पूजा के जो भी सामान होते हैं सब कुछ आपको इन दुकानों पर देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों मैं आपको लेकर चलूँगा सीधे बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद। दोस्तों अब हम जा रहे हैं हनुमान जी की 151 फीट ऊँची मूर्ति के दर्शन के लिए जो कि मंदिर के पास ही मौजूद है। चलते हैं और आपको वहाँ के भी दर्शन कराते हैं। सामने मंदिर है और यहाँ पर मूर्ति के अंदर जाने का रास्ता है जो कि हनुमान जी की 151 फीट ऊंची मूर्ति है जो कि अंदर मौजूद है। दोस्तों हनुमान जी की यह मूर्ति मंदिर परिसर से तकरीबन 200 मीटर दूर है, किसी से भी आप पूछेंगे तो इस जगह का रास्ता आपको हर कोई बता देगा। बाकी दोस्तों यह है हनुमान जी की 151 फीट ऊंची मूर्ति। दोस्तों पिछली बार भी मैंने यहाँ के दर्शन आपको कराए थे तकरीबन 3 से 4 साल पहले, और अब मैं आपको तकरीबन दूसरी बार यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, और सामने आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी सारे पक्षी हैं जो कि हनुमान जी के ऊपर की तरफ बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक गुफा भी है, वाकई मैं आपको कोशिश करूँगा दर्शन कराने की जो कि आप सामने देख ही रहे हैं, और ये राक्षस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि हनुमान जी के अगल बगल बने हुए हैं। और हनुमान जी का जो गदा है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जिस पे श्री राम लिखा हुआ है। दोस्तों काफ़ी ऊंची मूर्ति लग रही है मुझे, और आपको भी देखने को लग रहा होगा, और पैर भी काफ़ी बड़े बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको साइड में दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो राक्षस भी हैं यहाँ पर, और इनके पीछे ठीक हनुमान जी भी विराजमान है जैसे कि आप सामने देख ही रहे होंगे। और अब मैं आपको सीधे इस गुफा के अंदर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, मैं अभी गुफा के अंदर हूँ, बाहर से मैंने शूट नहीं किया था, लेकिन अंदर आके मैं आपको यहाँ के दर्शन करा रहा हूँ। और ये अंदर भी कुछ ऐसे दृश्य और कुछ मूर्तियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि श्री राम और हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है मूर्ति के रूप में। बाकी दोस्तों ये गुफाएँ, यहाँ के दर्शन शायद ही आपको किसी ने कराए होंगे, मैं आपको फर्स्ट टाइम अपनी वीडियो में करा रहा हूँ। यहाँ पर इस गुफा के अंदर आपको ऐसी ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिल जाती हैं जो शायद ही आपने किसी के वीडियो में देखे होंगे, और ये गुफा के अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। और अगर आप दोस्तों बालाजी मंदिर आना चाहते हो तो ट्रेन के द्वारा आप आ सकते हो आगरा से या फिर किसी भी जगह से, उसकी डिटेल की एक वीडियो मैंने बना रखी है। आगरा से बांदीकुई आपको आना है, फिर उसके बाद आपको स्टेशन के बाहर से ही आपको जीप वगैरह मिल जाती है, वहाँ से आप बालाजी मंदिर काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम समय में कम खर्चे में आप पहुँच जाओगे। और अभी हम गुफा से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, ये बाहर का दृश्य कुछ ऐसा है, और ये हनुमान जी की मूर्ति जो कि मैं आपको शुरुआत में दिखाई थी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कराए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन, और साथ ही साथ 151 फीट ऊँची हनुमान जी मूर्ति के दर्शन जो कि बालाजी मंदिर के पास मौजूद है। और दोस्तों आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी पसंद है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और इस वीडियो से आपको कैसी जानकारी मिली और कैसी आपको वीडियो लगी, और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। लाइए, अब जल्दी थोड़ा।